तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। तो फ्रेंड, मुझे ना फीवर आ रहा दो दिन से, और मैं दो दिन से इतनी बीमार हूँ। देखो कितना मोटा शॉल ओढ़ के लेटी हूँ। और आप क्या सोच रहे होंगे कि यार गर्मी में भी इतना मोटा शॉल, तो गर्मी में मैंने शॉल ही ओढ़ रखा है क्योंकि मुझे फीवर हो रहा है, ठंड लग रही है। और फ्रेंड, मुझे फीवर क्यों हो रहा है बताऊँ मैं आपको? मेरा जो ये कान है ना, इस कान में ना दर्द हो रहा है, इसकी वजह से ना फीवर आ रहा है। रात को ना सो नहीं पाती हूँ सही से। मैं अब नींद आ रही है, अब नींद आ रही है, और अभी मैं सो के उठी। पता नहीं दवाई कैसे दी है डॉक्टर ने, खाती ना नींद आ रही थी। मैंने बोला था डॉक्टर को कि मतलब जब दवाई लाई मैं उनसे, मैंने बोला कि मुझे नींद नहीं आती रात में, मतलब जब सोने की कोशिश करती हूँ ना तब मेरे कान में दर्द होता है। उसने मुझे दवाई दी, और तो दवाई खाती है ना 10-15 मिनट बाद तो ठीक रहूँगी मैं। जैसे जैसे 10-15 मिनट से बाद में मतलब धीरे धीरे नींद से आने लगती है। और मैंने 11 बजे कह रही हूँ, नहीं 11:30 बजे गोली खाई थी, तो मुझे नींद आने लगी 11:30 बजे। मुझे ऐसा हुआ ना 11:30 बजे दवाई खाने के बाद 12 बजे मुझे ऐसा हुआ, बस सो जा। मैं सो ही नहीं क्योंकि परी को लाना था स्कूल से परी को लाती, खाना बड़ी मुश्किल से खिला पाई हूँ इसको मैं, और सो गई। मैं लेट ही रही, मतलब ये तो जगी हुई थी मैं, बस आंखें खुलने का वो नहीं हो रहा, ऐसा मन कर रहा बस सो जा। तो परी को ऐसे करके परी भी सो गई, मैं भी, फिर हम 2 घंटे सो गए दोनों सारे, तीनों माँ बेटे। तो अब उठे हैं, अभी नहीं उठे, 3:30 बजे उठ गई थी मैं, और बच्चे कार्टून देख रहे थे, खेल रहे थे, खेलते खेलते पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग ही बना लूँ, तो मैं ब्लॉग बनाने लग गई हूँ। मेरा ना कल से मुंह भी नहीं धुला, देखो कैसा मुंह रहा मेरा। तो बीमार मेरे साथ कैसे क्या हो जाता, मेरी आंखें देखो ऐसी हो रही है ना सूजी। अब भी ऐसा मन कर रहा मेरा सो जाऊँ, मैं सो के उठ गई हूँ फिर भी ऐसा मन कर रहा सो जाऊँ। तो आज है ना दवाई खाऊंगी लाइव करने के बाद, क्योंकि कल मैंने खाई है ना दवाई, हो खाना वाना खा के दवाई खाई, मुझे नींद आ गई। 11 बजे तक मैं सो भी गई, मैंने सोचा था 11 बजे लाइव करूँगी, पर मैं सो गई 11 बजे, मेरी लाइव नहीं हुई। पर आज मैं ना 11 बजे के बाद दवाई खाऊंगी, लाइव करने के बाद दवाई खाऊंगी यार। एक तो वैसे व्यूज नहीं आ रहे, पता नहीं आजकल क्या हो रहा चैनल पे, इतने से भी व्यूज नहीं आते हैं। शॉर्ट वीडियो भी डाल ली हूँ, वैसे ब्लॉग भी डाल ली, कोई देखता ही नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों करते हो यार। आप लोग देखा करो, लाइव में तो आप लोग आ जाते हो पर देखते नहीं हो, तो प्लीज सभी लोग वीडियो देखा करो, गरीब का भला कर दो किसी का। तो देखो मेरे आंसू भी आ रहे हैं। तो चलो फ्रेंड, आज का ब्लॉग इतना ही, मेरे कान में दर्द हो रहा है, कोई बताना दवाई कोई अच्छी सी हो। मुझे तो इतना पता, मेरी मम्मी है ना लहसुन और सरसों का तेल पका कर ठंडा करके वो डाल देती थी, बट आजकल कहाँ चलती है वो दवाई। अगर जो वो दवाई ठीक है तो आप लोग बताना, मुझे तो वही ठीक लगती है, पर बचपन में डालती थी मेरी मम्मी, तो आप लोग बताना ही है वही दवाई ठीक है जो वही डालूँ कान के दर्द के लिए। वैसी दवाई तो खा के देख ली, बस नींद ही आती है, आराम नहीं लगता कुछ भी, दवाई खाने के बाद नींद ही आ जाती है, सुकून से बाकी तो कुछ नहीं होता। रात में दवाई खा के ऐसी सोई ना, मुझे सुबह तक पता नहीं रहा, मैं 8 बजे उठी हूँ सोकर। तो चलो फ्रेंड, बाय बाय, आज का छोटा सा ब्लॉग इतना ही है। तो बताने कैसा लगा मेरा ब्लॉग।